शुरू करते हैं अब इसकी टेस्ट राइड। बट टेस्ट राइड करने से पहले एक इसका फीचर चेक कर लेते हैं जो है ऑन, सिंगल यूनिट ऑन है। बाकी हर चीज़ में रॉयल एनफील्ड ने अपग्रेड करा है, बस लगता है ऑन में इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। पहले इसमें डुअल हॉर्न आते थे, बेस्ट हॉर्न होता था रॉयल एनफील्ड का, बट इन्होंने अब सिंगल यूनिट कर दिया है। सो देखने में बाइक बहुत अच्छी है, लिटरली एक आई कैंडी है, जो भी यहाँ से निकल रहा है वो बाइक को देख रहा है। सो अब करते हैं बाइक को स्टार्ट एंड शुरू करते हैं इसकी टेस्ट राइड। एंड मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया होगा क्या क्या मैं इस पर टेस्ट करने वाला हूँ, क्या क्या मैं चेक करने वाला हूँ बाइक का। शुरू करते हैं सीटिंग कंफर्ट से। सीट की सॉफ्टनेस की बात करूं तो बिल्कुल एडिक्वेट सॉफ्टनेस है, इतनी ज़्यादा कुशनी नहीं है कि जैसे लाइक हिमालयन की अगर आपको याद हो बहुत ज़्यादा कुशनी थी, वैसी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। जितनी मेरे वेट के हिसाब से मुझे चाहिए थी उतनी इसकी जो कुशनेस है उतनी एडिक्वेट है। बाकी पिलियन से मैंने पूछा था, पिलियन को एक्सपीरियंस है मेरी डोमिना 2018 पे बैठने का, तो पिलियन के हिसाब से इसकी जो बैक सीट है वो डोमिनार की बैक सीट से ज़्यादा सॉफ्ट है, जो अगेन अच्छी बात है। अब ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होने वाली एज़ कंपेयर टू द टूरिंग सीट ऑब्वियसली, बट अभी तक मैं अराउंड 15-20 किलोमीटर में बैक चलाई है, उसके हिसाब से अभी तक मेरे को बढ़िया लग रहा है। लग रहा है कि मैं इस पर आराम से 200 से 300 किलोमीटर जा सकता हूँ विदाउट एनी ब्रेक। सो अब डायरेक्ट चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। सेकंड गियर है, 60 की स्पीड है अभी, एंड सो नो डाउट बाइक क्विक है, एक्सेलरेशन अच्छा करती है, बट इतना मेरे को अच्छे से पता चल गया है क्योंकि मैंने अराउंड 300 या 400 किलोमीटर इंटरसेप्टर 650 चलाई है, उससे स्लो बाइक है ये, डेफिनेटली उससे स्लो बाइक है। सो दो फैक्टर्स जो हैं जिसकी वजह से ये थोड़ी सी आपको स्लो फील होगी 650 ट्विन्स के कम्पीट, एक तो इसका वेट ज़्यादा है, सेकेंड इसकी गियरिंग थोड़ी ज़्यादा टॉल है, उसकी गियरिंग ज़्यादा शॉर्ट है, बीइंग अ क्रूजर इसकी थोड़ी टॉल रखी हुई है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा उससे मतलब इतनी ज़्यादा स्लो फील नहीं होती, बट अगर आप 650 ट्विन से कम्पीट करो तो आपको थोड़ा सा कमी महसूस होगी एक्सेलरेशन में, बट अगर आप किसी स्मॉलर सेगमेंट के बाइक से आ रहे हैं, इवन डोमिनार से भी आ रहे हैं, तो आपके इसको तो आपको इसकी एक्सेलरेशन बहुत अच्छी लगने वाली है। सेकंड पॉइंट पे फटाफट आता हूँ जो है इसकी ब्रेकिंग। इसके रियर में है डुअल पिस्टन कैलिपर 300mm की डिस्क, एंड सिर्फ अगर मैं रियर की डिस्क यूज़ करूँ तो ये देखो थोड़ा सा टायर लॉक होता है, बट ABS की किंग हो जाता है, बट ब्रेक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब कोई सोच नहीं सकता था रॉयल एनफील्ड इतने लेवल पे अपनी ब्रेकिंग इंप्रूव कर लेगा। सो परफॉर्मेंस में मैं इसको दूंगा 8.5 out of 10, एंड ब्रेकिंग में इसको लिटरली दूंगा यार 9.5 out of 10। नेक्स्ट चलते हैं इसकी थोड़ी वाइब्रेशंस पे। वाइब्रेशंस मेरे को थोड़ी सी फील हुई है, मैं अभी एक बार छोटा सा रन करके देखता हूँ। ओके, ब्रेकिंग की मैं थोड़ी सी और बात करूँ, या आप बाइक जितने मर्जी स्पीड पे ले जाओ आपको इस बाइक को रोकने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लिटरली बहुत अच्छी ब्रेकिंग है यार। नो वाइब्रेशन की मैं बात कर रहा था, हैंडल बार में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन है ओवरऑल बॉडी के हिसाब से, मैं वैसे नहीं कह रहा वाइब्रेशन बहुत नॉर्मल सी वाइब्रेशन है, बट पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा अगर आपको वाइब्रेशन कहीं फील होगी तो वो है हैंडल बार में, उसके बाद है आपका बिल्कुल मिनिमल सी फुटरेस्ट में, बट इसकी वाइब्रेशन ऐसी नहीं है जो आपको इरिटेट करेगी, इसकी वाइब्रेशन एक ऐसी है जो आपको महसूस कराएगी कि आप कोई इलेक्ट्रिक बाइक नहीं चला रहे हैं। इफ़ यू गेट द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, आप एक इंजन जो फील करते हो ना वाइब से, वो वाली इसकी वाइब्रेशन है, इरिटेट करने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने
बाइक चलाई 100 किलोमीटर और आप उतरे तब भी आपके हाथों में वाइब्रेशन हो रही है, जैसे पुरानी रॉयल एनफील्ड में हुआ करती थी। तो वाइब्रेशन मैं इसको दूंगा आराम से 8 out of 10। थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी बट बिल्कुल भी बुरी नहीं है, मतलब मेरे को कोई ज़्यादा इशू वाइब्रेशन का है नहीं इस बाइक से। अब नेक्स्ट इसका ईजीनेस राइडिंग क्या है, रुको एक मिनट सस्पेंशन चेक करें। ओके, स्पीड ब्रेकर आ गया था तो सस्पेंशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी इसकी राइडिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करेंगे। देखो मेरे साथ पिलियन है, पिलियन का वेट अराउंड 50 kgs है। मेरे को यार इतना ज़्यादा स्टिफ जो बात कर रहे हैं ना इंजन सस्पेंशन एक्चुअली फील हुआ नहीं। फ्रंट सस्पेंशन तो अच्छा है, बैक सस्पेंशन बिल्कुल हल्का सा बम्प आया था क्योंकि मैंने स्पीड कम कर ली थी, बट मेरे को इतना ज़्यादा स्टिफनेस फील हुआ नहीं। एंड अगर मैं थोड़ा सा लाइक पीछे और कोई मेरे जैसा कोई बैठ गया 80-90 kilo का लड़का तो आई थिंक और इसकी जो स्टिफनेस है वो दब जाएगी। सो सस्पेंशन मैं दूंगा, अभी देखो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कोई ख़राब रोड मेरे को दिख नहीं रही जहाँ मैं चलाऊँ, तो एक बार सस्पेंशन यार मैं दोबारा आने वाली वीडियो में चेक करूँगा प्रॉपरली। एक और वीडियो बनाऊँगा जब मेरे शहर में बाइक टेस्टेड वाली आ जाएगी, क्योंकि मेरे को अपने शहर की अच्छे से एक एक खड्डे का पता है। तो इसमें मैं दोबारा आऊँगा सस्पेंशन पे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू डबल ट्रैक अगर हमने प्रॉपरली इसका सस्पेंशन चेक करना है। तो नेक्स्ट चीज में बात कर रहा था इसकी राइडिंग कैपेबिलिटी की। भाई मेरे को 15 मिनट हो गया बाइक चलाते हुए और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब ये मेरी बाइक नहीं है। इतनी आसान है यार ये बाइक चलानी, इतनी आसान बाइक चलानी है। लाइक 250 किलो का वेट मेरे को फील नहीं हो रहा। मैंने यू टर्न भी लिया था बिल्कुल लो स्पीड पे, थोड़ा सा इसका ना ये बाइक नीचे लगी, बिल्कुल हरा सी ज़रा सी ना बिल्कुल टच हुई बाइक ज़रा सी, बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना छू के निकली है ऐसी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ग्राउंड क्लियरेंस का। यप डेफिनेटली नाउ मैं बात कर रहा था इसकी ईज ऑफ राइडिंग की। यार ये बाइक इंटरसेप्टर कॉन्टिनेंटल से ज़्यादा इजी टू राइड है भाई, लिटरली वेट इसका भूल जाओ। हाँ ये अगर आपकी बाइक गिरने लगी तो आपको वेट फील होगा जब इसको दोबारा उठाने की कोशिश करोगे, वरना इस बाइक का वेट मेरे को नहीं फील हो रहा बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा आसान है यार ये बाइक चलानी, 15-20 मिनट में ऐसा लग रहा है मेरी बाइक है, मैं पता नहीं कितना टाइम से इसको चला रहा हूँ। बाकी ये भी हमारी बात हो गई ईज ऑफ राइड की। ईज ऑफ राइड में मैं इसको दूंगा यार लिटरली 9.5 out of 10, यार 10 में से 10 ही ले ले। वैसे तो ईज ऑफ राइड की बात कर रहा हूँ कि आप कितनी जल्दी मतलब इस पर कॉन्फिडेंस अपना ला पाओगे। मेरे पास 15 मिनट का कॉन्फिडेंस इस बाइक का आ चुका है। सो परफॉर्मेंस हो गई, ब्रेकिंग हो गई, वाइब्रेशन हो गई, अभी तक मेरे को कोई वॉबल फील नहीं हुआ है, प्रॉपर एक स्टेबल हैंडल है इसका। सो एक जल्दी से इसका 0 to 100 चेक कर लेते हैं। वैसे तो नो डाउट ये बाइक क्विक है, बाइक कॉन्टिनेंटल इंटरसेप्टर से ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील कराती है। यानी बाइक चलाते हुए आपको लिटरली लगता है कि आप यार कुछ चला रहे हो। सिटिंग स्टैंड मेरे को अच्छा लगा, इतनी ज़्यादा मेरे को अभी हवा चल रही है ठीक ठाक, बट इतनी ज़्यादा मेरे को विंड बफेटिंग फील नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। लाइक मेरी नेकेड जो डोमिनार है उतनी मेरे को सेम अमाउंट की विंड बफेटिंग फील हो रही है, विंडशील्ड लगने के बाद शायद और कम हो जाए। बट टॉप स्पीड अभी मैं चेक नहीं कर सकता, थोड़ा ट्रैफिक है, बट 160 तक जाती है, सबने चेक कर ही लिया है। बाकी यार आई लव दिस बाइक, थोड़े बहुत निकल्स हैं मेरे को, यहाँ थोड़े सा ना गर्मी फील होनी शुरू हो गई है, क्योंकि आप देखो अगर इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल की बात करें वहाँ पे आपका जो फुट होता है वो यहाँ पे होता है ठीक है, आपके इस साइड पैनल के पैरेलल, जहाँ पे आपका पैर बिल्कुल इस इंजन के पैरेलल होगा। और भाई गर्मियों में मान लो मेरी बात, कैपरी या निक्कर डालकर तो बाइक चलाने का सोच भी ना लेना, चलानी भी नहीं चाहिए, बढ़िया चला भी नहीं सकते। एंड सर्दियों में तो मज़ा आएगा, बट गर्मियों में डेफिनेटली जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होगे तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि आपका इंजन की हीट यहाँ पे आएगी अच्छे से। एंड
ये इनको शायद लिक्विड कूल्ड इंजन करना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती। बाकी उसके अलावा यार बाइक में ज़्यादा कुछ परेशानियाँ है नहीं, ब्रेक्स एक नंबर है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, वेट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है, ग्राउंड क्लियरेंस हाँ थोड़ा सा भी नीचे थोड़ी सी लगी थी, बिल्कुल मतलब चुम्मी ली थी इसमें स्पीड ब्रेकर की, तो थोड़ा सा आपको स्पीड स्लो करके निकालना पड़ेगा। बाकी आई लाइक दिस बाइक एंड अगर अभी तक आप बने हुए हो वीडियो में तो मैंने ये बाइक बुक कर दी है एंड देखते हैं जब ये बाइक आती है तो इसको ट्रिप्स टूर्स पे लेके जाएंगे या देखेंगे कि थोड़ा सा ना इसको मोड़ने में मुश्किल होती है टाइट स्पेसेस में ना, थोड़ा आपको 2-3 पॉइंट टर्न लेना पड़ जाता है। बाकी मेरे को यार वेट अगर लीन भी करके देखूं इतना मेरे को वेट फील नहीं हो रहा, हो सकता थोड़े शॉर्ट राइडर्स हों उनको थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो, बट दिस वॉज इट। एंड एक और मैं इसका प्रॉपर रिव्यू लेके आऊँगा इन सिटी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अच्छी रोड्स थी, सक्सी सी मक्खन रोड्स, तो जब मेरे शहर में आएगी टेस्ट राइड के लिए तो मैं एक बार ना सिर्फ और सिर्फ इन सिटी रिव्यू लेके आऊँगा, जिसमें इसका ग्राउंड क्लियरेंस, इसका सस्पेंशन अच्छे से चेक करूँगा, एंड एक जो मेरे को लग रही है इसकी दिक्कत वो है इसका मूर्ति नहीं है यार आसानी से, थोड़ी सी लंबी है इसलिए, एंड थोड़ा सा टर्न एंगल भी इसका अच्छा नहीं है। सो टिल देन अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू टर्बो ट्रैक।